नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त हैरी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि मैं आपको आज किस बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको स्विफ्ट कोड की एक बार ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक जाते हैं, बैंक वाले मना कर देते हैं कि जाओ जाओ हमें नहीं पता, तो आप कहाँ से ले स्विफ्ट कोड, उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, स्विफ्ट कोड होता क्या है? स्विफ्ट कोड जैसे कि आपको आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको एडसेंस के द्वारा पैसा जमा होता है, तो $10 हो गया तो आपको विड्रॉ करना है। वहाँ पे एक फॉर्म आ जाता है फिल करने के लिए और वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि स्विफ्ट कोड के लिए, और वो स्विफ्ट कोड आप बैंक लेने जाते हो, बैंक से आपको मिलता नहीं है तो आप कहाँ से लें। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं अपनी स्क्रीन पर बताता हूँ। हाँ जी दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा स्विफ्ट कोड कैसे आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस पे मुझे सबसे पहले तो गूगल पे जाना है। गूगल पे मैं चला जाऊंगा, ये गूगल ओपन हो रहा है। हाँ, तो ये गूगल ओपन हो चुका है। दोस्तों, आप बहुत तरह से सर्च करते होंगे, जैसे लिखते होंगे भी स्विफ्ट कोड फाइंडर, स्विफ्ट कोड बैंक का नाम, ये फला फला, तो आपको कई बार नहीं शो करता है। जैसे कि अब मैं आपको करके बताता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्विफ्ट कोड फाइंडर, तो ये सर्च हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते हैं, कुछ ही ऑप्शन आते हैं लेकिन आपको इनमें से सर्च करते हैं लेकिन नहीं आ पाता है। ओके, बताता हूँ। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। आप यहाँ कंट्री भर देते हैं, अपना बैंक का नाम, अपना स्टेट का नाम, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं बताएगा। जैसे कि मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट, इसको और ये मुझे बता। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्विफ्ट कोड फाइंडर। मेरा SBI में अकाउंट है तो मैं SBI करूँगा सिलेक्ट स्विफ्ट कोड। तो देखिए, यहाँ पे आपको कोड शो कर जाएगा। आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई कीजिए, स्विफ्ट कोड फाइंडर। यहाँ देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आ गया है। ये मेन ब्रांच का है, मेन ब्रांच मुंबई में है, तो वही पूरे इंडिया में चलता है। इनकी ब्रांचेस अलग अलग है, मेन ब्रांच जो है मुंबई में है, तो यही इसका स्विफ्ट कोड है। ये वाला देखिए, इस तरह से आप भी अपनी बैंक का सर्च कर सकते हैं। जैसे आपका PNB में भी हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे और इंडिया लिखेंगे आगे। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।